Hello students, good morning. Welcome to the another online video of RCI Education Hub Bangsu. So let's continue class 11 chapter number 4 Animal Kingdom. Okay, so today let's discuss about the another phylum, that is Arthropoda. Understand? तो देखिए बेटा, सबसे पहले तो जो इम्पोर्टेंट और सबसे मेन चीज है, इट इज द लार्जेस्ट फाइलम. ओके, सबसे ज्यादा जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं वो इसी फाइलम में प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज जितने भी इंसेक्ट्स हैं दे आर इंक्लूडेड अंडर द आर्थ्रोपोडा. इज दैट क्लियर? सो दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम, ओके, ऑफ द एनिमल किंगडम, विच हैविंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड स्पेशली जो भी इंसेक्ट्स हैं, चाहे वो मॉस्किटोज हैं, चाहे वो फ्लाइज हैं, चाहे फिर वो आपकी हाउस फ्लाइज हैं, ओके, उसके अलावा हनी बीज हैं, वो जो सारे इंसेक्ट्स हैं वो इसी ग्रुप में इंक्लूडेड हैं. अब देखिए, चलिए पढ़ते हैं कुछ इसके कॉमन फीचर्स एंड कुछ पेकुलर फीचर्स. सो लेट्स डिस्कस कि लार्जेस्ट फाइलम है, इट इंक्लूड द इंसेक्ट्स, और इसमें जो एक चीज है कि दीज आर सेगमेंटेड. देखिए, बॉडी इनकी भी सेगमेंटेड है बट नॉट वेल डेवलप्ड. जैसे एनिलिडा में हमने बात की थी कि उसमें रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसा लगता है छोटे छोटे रिंग्स को ज्वाइन करके पूरी बॉडी बना दी गई है. दे आर नॉट सेगमेंटेड लाइक एनालिड्स, ओके, बट हाँ, बॉडी पे कुछ सेगमेंट्स देखने को मिलते हैं. ओके, बाकी कॉमन फीचर में क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक है. द बॉडी इज कंसिस्ट ऑफ मेनली थ्री लेयर्स, ओके, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. सो दैट इज कॉमन फीचर. उसके बाद अगर हम बात करें, सिलोमेट है, ओके, सिलोमिक यानी बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है इन द मेसोडर्मल जर्म लेयर. और जो स्केलेटन है दैट इज कंसिस्ट ऑफ काइटेनियस, काइटिन का बना हुआ एक्सोस्केलेटन होता है, नॉट एंडोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन इज कंसिस्ट ऑफ काइटिन. इज दैट क्लियर? तो देखिए, इसमें जो मेन फीचर है, एक तो यहाँ पे हमने देखा कि लार्जेस्ट फाइलम है, अंडरस्टैंड, उसके बाद इसमें जो एक्सोस्केलेटन है दैट इज कंसिस्ट ऑफ काइटिन. ओके, आगे बढ़े तो देखिए, बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन. यानी यहाँ पे जो बॉडी है दैट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, हेड रीजन, थोरेक्स रीजन एंड दिस इज एब्डोमेन. ओके, जो भी इंसेक्ट्स होते हैं तो उनकी बॉडी थ्री रीजन में, थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन. ओके, ये जो है इसका पेक्युलर फीचर है, जैसे कि मैंने ऊपर भी लिखा है और यहाँ पे भी, जॉइंटेड अपेंडेजेस, यानी इसमें जो आप कह सकते हैं जो पोड़ियां हैं, जो फिट हैं, दे आर इन पेयर्स, जॉइंटेड होते हैं. इज दैट क्लियर? तो दिस इज द मोस्ट पेक्युलर फीचर ऑफ द आर्थ्रोपोडा, दे हैविंग द जॉइंटेड अपेंडेजेस. ओके, उसके अलावा इसमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं वो भी डेवलप हो जाते हैं. रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में जैसे गिल्स हैं, बुक गिल्स हैं, बुक लंग्स हैं और ट्रैकियल सिस्टम है. ट्रैकिया तो मेन है, आपको पता है जैसे ह्यूमन बीइंग में भी ट्रैकिया होता है, बट यहाँ पे जो ये है ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम है, और जो भी फीसेस वगैरह है उनमें होता था. ओके, बट इसमें गिल्स, बुक लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम और बुक गिल्स, ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स भी इसमें डेवलप होते हैं. अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं. इससे पहले कि अगर हम डिस्कस करें एनालिडा वगैरह में, तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है दैट इज ऑफ क्लोज्ड टाइप. ओके, सॉरी, यस, इसमें हम डिस्कस करते हैं दैट इज ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, वैसे इसी में थोड़ा सा डेवलप्ड होता है. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है जो पूरी बॉडी है दैट इज फिल्ड विद ब्लड. ओके, फॉर एग्जांपल ये किसी भी इंसेक्ट की बॉडी है, तो यहाँ पे जो ब्लड होता है दैट इज कम्प्लीटली फिल्ड इनसाइड द बॉडी, नॉट इन टू द ब्लड वेसल. जैसे हमारे में जो बॉडी सर्कुलेटरी सिस्टम है दैट इज क्लोज्ड टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम. क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, बट यहाँ पे जो कंप्लीट ब्लड है दैट इज फिल्ड इन टू द बॉडी कैविटी, यानी पूरी बॉडी फिल्ड होती है ब्लड में. ओके, तो ओपन सर्कुलेटरी टाइप ऑफ सिस्टम मिलता है. इसमें एक्सक्रिएशन जो होता है यहाँ पे मालपेजियन ट्यूबुल्स के थ्रू होता है. देखिए, हमने कई सारे ऑर्गन्स पढ़े, जैसे इससे पहले हम बात करें नेफ्रिडिया, उससे पहले बात करें फ्लेम सेल्स. तो जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते हैं कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है और जो ऑर्गन्स हैं वो भी वेल डेवलप्ड होते जा रहे हैं. तो यहाँ पे जो भी एक्सक्रिएशन का काम करती है वो मालपेजियन ट्यूबुल्स करती है. साथ में इसमें सेंस ऑर्गन भी डेवलप हो जाते हैं जो सेंस करते हैं किसी भी आउटर थिंग्स को, जो सेंस कर सकते हैं, जिसमें एंटीना या आप आईज भी कह सकते हैं. देखा भी होगा आपने जो एंट वगैरह होते हैं उसके इस तरह से,
ओके, या जो भी इंसेक्ट होते हैं उसके ऊपर इस तरह के एंटीनास मिलते हैं. ओके, तो ये इनका मेन फंक्शन क्या होता है, सेंस करना, किसी भी चीज को डिटेक्ट करना, आइडेंटिफाई करना, फील करना. ओके, आगे देखें, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल. फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, बॉडी के अंदर ही होता है, इंटरनल है. और मोस्टली जो इसमें इंसेक्ट्स होते हैं, दे आर ओविपेरस, इट मीन्स दे आर लेइंग एग्स, दे आर लेइंग एग्स, इज दैट क्लियर. तो यहाँ पे जो ओविपेरस टाइप, इनका मोस्टली ओविपेरस टाइप्स होते हैं, डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हम शायद पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि जो बेबी होता है, ठीक है, इन्फेंट है, या आप उसको कह सकते हैं जो स्टार्टिंग स्टेज है, वो उसके पेरेंट्स से रिजेंबल करता है, तो वो डायरेक्टली ऐसा लगता है कि हाँ डायरेक्ट डेवलपमेंट हुआ है. ओके, इनडायरेक्ट क्या होता है, इट इज गोइंग थ्रू द सेवरल लार्वल स्टेजेस. ओके, कई लार्वल स्टेजेस आते हैं, 1-2 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, तो वो लार्वा के थ्रू उसका डेवलपमेंट होता है, दैट इज नोन एज द इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. अब इसमें देखिए एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं, कुछ इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे एपिस है, हनीबीज, एपिस इंडिका, बॉम्बेक्स है, सिल्क वॉर्म जिससे हम सिल्क का प्रोडक्शन करते हैं, वेक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो बहुत सारे डिजीज को भी कैरी करते हैं, जैसे एनाफिलीज है, एडीज है, कुछ क्रिकेरियस पेस्ट होते हैं जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं, जिसमें लोकस्ट है, और लिविंग फॉसिल्स. इसमें देखिए एक लिविंग फॉसिल्स के नाम से जाना जाता है, लिमुलस किंग क्रैब, ये इंपॉर्टेंट है दो पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम से, ये काफी इंपॉर्टेंट है लिमुलस, ठीक है, तो इसको आप जरूर याद रखेंगे. तो एक बार देखें फिर से वापस, हम एक बार फटाफट इसके जो पेकुलर फीचर्स हैं वो देख लेते हैं. देखिए आर्थ्रोपोडा एक तो सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, इज दैट क्लियर. दूसरे इसमें क्या होता है, ज्वाइंटेड अपेंडिसेस होते हैं. ओके, ज्वाइंटेड इट मीन्स जो पोडियाज होते हैं वो पेयर में मिलते हैं. ओके, उसके बाद देखे इसमें हमने डिस्कस किया था कि बॉडी सेगमेंटेड है बट नॉट वेल डेवलप्ड, यानी जैसे एनालिट्स में होते हैं उस तरह से वेल डेवलप्डली सेगमेंट नहीं है, बट सेगमेंट्स अपीयर्ड होते हैं बॉडी के ऊपर. एक्सोस्केलेटन कंसिस्ट ऑफ काइटिन, काइटिन का एक्सोस्केलेटन बना होता है. बॉडी डिवाइडेड होती है हेड, थोरिक्स और एब्डोमेन में, एज इट इज विजिबल हेयर, हेड, थोरिक्स और एब्डोमेन में बॉडी डिवाइडेड है. इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम भी डेवलप होते हैं कुछ हद तक, जिसमें गिल्स, बुक गिल्स, बुक लंग्स और ट्रेकियल सिस्टम होता है. सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप होता है, इट मीन जो कंप्लीट बॉडी है उसमें ब्लड फिल्ड होता है, देर इज नो वेल डेवलप्ड वेसल्स, यानी आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज एब्सेंट होती है. ओके, एब्सेंट है. उसके अलावा जो एक्सक्रीशन होता है दैट इज टेक्स प्लेस थ्रू द मालपीजियन ट्यूब्यूल्स. ओके, एक्सक्रीशन मालपीजियन ट्यूब्यूल से होता है, साथ में कुछ सेंस ऑर्गन भी डेवलप होते हैं, जैसे एंटीना या आईज भी आप कह सकते हैं, जो सेंस करते हैं, डिटेक्ट करते हैं. फर्टिलाइजेशन इंटरनल है. ओके, और मोस्टली ये ओवी पेरस होते हैं, बाकी एग्जाम्पल आपको बता दिया गया है. सो दिस इज ऑल ओवर अबाउट द आर्थ्रोपोडा, इज दैट क्लियर बेटा. लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब ऑल्सो. गुड बाय.